अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, जनाब जावेद साहब ने एक सवाल किया है कि हज़रत नए घर में किस तरीके से दाखिल हुआ जाए, उसका इस्लामी तरीक़ा क्या है। इसलिए कि मैंने गुज़श्ता महीने एक घर ख़रीदा, लेकिन उस घर में दाखिल होते ही इतनी परेशानियां आ गई कि उसे मुझे छोड़ना पड़ा। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, हम घर ख़रीद लेते हैं लेकिन हम उसमें इस्लामी तरीके से दाखिल नहीं होते, इसलिए कि जिस घर को ख़रीदते हैं हम उसके बारे में नहीं जानते कि उसमें कौन रह रहा था, कैसे रह रहा था। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको अच्छी तरीके से तफसील के साथ बताएंगे के नए घर में दाखिल होने के वक्त क्या क्या अमल करना चाहिए। अगर आप उस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये नौबत नहीं आएगी कि आपको घर छोड़ना पड़े, या फिर घर में दाखिल होने से पहले आपके कारोबार पर असर पड़े या आपके बच्चों पर कोई गलत असर पड़े। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी नए घर में जाएं तो आप सबसे पहले ये काम करें कि जब घर में दाखिल हो तो घर में दाखिल होने से पहले तो आप में से जिसको भी सूरतें याद हो तो वो आगे बढ़कर 11 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान नहीं पढ़ें और 3 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करें और 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें और 3 मरतबा सूरह इखलास और सूरह नास पढ़ें। इतना करने के बाद आप एक गिलास पानी लें और उस एक गिलास पानी पर दम कर दें, और दम करने के बाद आप उस एक गिलास पानी को एक बाल्टी पानी में मिक्स कर दें। फिर उसके बाद इस बाल्टी के पानी को बाद में घर में छींटना है, उससे पहले जिन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं उससे पहले दरवाजे पर वो फूंक दें, पूरे दरवाजे पर ऊपर से नीचे तक क्या करें, वो दम कर दें। और दम करने के बाद उस एक गिलास पानी को जो पढ़ा हुआ है तो उसको एक बाल्टी पानी में मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद जैसे ही घर में आप दाखिल हों और दाखिल होने के बाद उस बाल्टी के पानी को घर के चारों तरफ, मतलब चारों कोने पर जितने भी रूम हैं चारों कोने पर ऊपर की जानिब उसे छींट दें। और उसके बाद और बेहतर ये है कि 3 दिन तक सूरह बकर की तिलावत कराएं। जब आप ये अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी आपकी ये शिकायत नहीं होगी कि घर में दाखिल होने से ये परेशानियां आ रही हैं, कारोबार पे असर पड़ रहा है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों में नफरत हो गया है। हाँ, इसके ताल्लुक से भी हमारे पास सवाल आया है कि हज़रत जैसे ही घर में हम दाखिल हुए तो उसके कुछ दिनों बाद हमारे बच्चे अलग हो गए और बच्चों में नफरत फैल गई। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, ये तो तरीका हो गया नए घर में दाखिल होने का, और जिन्होंने ये सवाल किया कि बच्चों में नफरत फैल गई तो उसकी मोहब्बत के लिए सबसे मुजर्रब वजीफा ये है कि सूरत अनफाल की आयत नंबर 63 को आप पढ़ें और 41 दिन तक पढ़ें, 41 मरतबा और एक गिलास पानी पर आप दम करके तमाम बच्चों को पिलाएं। इंशाअल्लाह तबार व ताला उनके दरमियान मोहब्बत और प्यार फिर से उजागर हो जाएगा। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, मेरे बताने का मकसद यही है कि आप जब भी किसी घर में जाएं, जब भी किसी नए घर में दाखिल हो और रहने के लिए आप जाएं वहां, तो आप इस अमल को जरूर करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई भी परेशानी नहीं आएगी, और जो परेशानी आने वाली होगी वो परेशानी भी टल जाएगी। तो आप इस अमल को जरूर करें और सवाब की नियत से इस वीडियो को तमाम इस्लामी भाई तक शेयर करें ताकि उन्हें भी ये तरीका मालूम हो जाए। फिर एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ हाजिर आऊंगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।